नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हर आदमी को अपने पुराने दिन याद आते हैं, लेकिन किसी पार्टी को, राजनीतिक दल को अपने पुराने दिन याद आने लग जाएं तो समझना चाहिए कोई ना कोई गड़बड़ है। आजकल कांग्रेस को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। कांग्रेस अपने वर्तमान धूल दूषित वर्तमान में इतिहास से रोशनी ढूंढने की कोशिश में लगी है। आखिर में क्या गांधी परिवार कांग्रेस को अपने पुराने इतिहास पे लौटा पाएगा, क्या उसको रोशनी दे पाएगा? यह बड़ा सवाल आज भारत की जनता के सामने है। भारत की जनता पूछ रही है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस आज डगमगाई हुई है। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस के नेता श्रीमती अर्चना शर्मा। अर्चना जी, कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, कांग्रेस की तो अच्छे दिन ही चल रहे हैं, दिन तो खराब जनता के आए हैं। क्योंकि एक जुमला दिया गया पिछले समय चुनाव में, दो वर्षों पूर्व, कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता ने सोचा कि हो सकता है भाई इन पे विश्वास कर लें, बड़ी बड़ी उम्मीद जगा रहे, लेकिन जो छलावा जनता के साथ है उसके सामने देखें तो ऐसा लगता है कि जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है उसे जब इतने मुद्दे मिल जाएं कि मुद्दों को लेकर के जनता की आवाज़ को मुखर करने का अवसर मिले, तो मैं समझती हूँ ये भी बुरे दिन नहीं होते। दो साल हो गए, लगातार हार, और संभल भी नहीं पा रही है पार्टी, या पार्टी करेक्शन भी नहीं कर पा रही है। इतनी एंटनी कमेटी बनती है, कभी कोई करती है, कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। पार्टी वहीं की वहीं फिर एक गलती करती है, फिर चुनाव आ जाते हैं, फिर गलती करती है। क्या है ये मामला? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि पार्टी गलती करी। 10 वर्षों तक शासन किया, तब लोग कह रहे थे यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 नहीं आएगी, लेकिन कार्य अच्छा किया तो जनता ने जनादेश दिया। अब 10 वर्षों का शासन होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, फिर एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया गया, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया, जनता को भ्रमित किया गया, उस भ्रम में जनता आई और पूरे देश में एक ऐसी लहर सी चली जिसमें जनता को एक ऐसी उम्मीद लग रही थी कि न जाने क्या परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उस उम्मीद में हो सकता हम पीछे रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी तरह से जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का वोट बैंक इंटैक्ट है, इनको कुछ वोट परसेंटेज बढ़ा और इसके कारण सत्ता में आ गई। पहचान जी, लगता नहीं है कि कांग्रेस आज़ादी के पहले की पार्टी, कहते हैं कि आज़ादी का जो दावा है कि आज़ादी का आंदोलन ही कांग्रेस ने लड़ा, उसके बाद 60 सालों तक लगातार सत्ता में रही। बीच बीच में ज़रूर इधर उधर के लोग आते रहे, लेकिन लगातार सत्ता में रही ऐसी पार्टी को 2014 में बहुत बुरी हार हुई, अपनी ऐतिहासिक हार, यानी कि बिल्कुल यानी विपक्ष के आधिकारिक नेता का पद भी नहीं मिल पाया। ऐसी हार के बावजूद लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं करेक्शन नहीं कर पा रही है? देखिए, अब आपके सामने मैं दावा करूं कि हमें शिकस्त नहीं मिली तो गलत होगा। जो सच्चाई वो सामने करारी शिकस्त हुई, केंद्र में भी हुई, राज्य में भी हुई। इसका तात्पर्य नहीं कि कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो गई। आज़ादी से पूर्व जो हमने, हमारी पार्टी ने अपनी विचारधारा के आधार पर जो देश को एक दिशा दी और दिशा देने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति की, और उसके बाद जो 60 वर्षों तक शासन किया वो जनता की मोहर लगने के बाद शासन किया, जनता के विश्वास के आधार पर किया। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि 10 वर्षों के शासन के बाद कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया। अब ठीक है, अच्छे दिन के बाद एक कर दिए, बहुत सारे एस्पिरेशंस जगाए, और कांग्रेस की शिकस्त ऐसी हुई कि जो आप कह रहे विपक्ष नेता जैसी भी उनकी वहाँ प्रस्तुति नहीं रही, ना उनकी स्थिति रही, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। कांग्रेस 44 के आधार पर भी इतनी मुखरता से अपनी बात उठाती है, जनता की आवाज़ को इस प्रकार से बुलंद करती है। लोग कहने लगे हैं अर्चना जी कि कांग्रेस टाइटेनिक जहाज हो गई है, अब तो डूबने के इंतजार में है, और कई चूहे तो आपके यहाँ से भागने भी लगे हैं। अभी बेनी प्रसाद वर्मा भाग गए वापस। देखिए प्रताप जी, अवसरवादी कोई हो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, व्यक्तिगत मामला होता है। लेकिन टाइटेनिक जहाज नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस जनता की पार्टी है, मास बेस पार्टी है, जनता के लोग उसमें विश्वास करते हैं। और आप जिस करारी शिकस्त की बात करें, राजस्थान के परिदृश्य में देखें तो कहीं ऐसा देखा है? कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि एक पार्टी जो शासन में आई हो उसका उपचुनाव होता है और 6 महीने बाद 4 में से 3 सीट हार जाती हो। तो कांग्रेस ने 3 सीट गेन करके वोट परसेंटेज को बढ़ा करके स्थापित किया कि कांग्रेस कि कांग्रेस इस गांधी परिवार के नेतृत्व में रसातल पर पहुँच गई है। अब लगता नहीं है कि गांधी परिवार की जगह और कोई परिवार आए या और कोई व्यक्ति आए जो कम से कम कांग्रेस को ढंग का नेतृत्व दे सके? कहीं लगता नहीं है राहुल गांधी अब उस लायक या योग्य नहीं है? उन पर लगातार सवाल उठने लगे हैं कि वो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व भी कर पाएंगे या नहीं।
देखिए मृदाब जी, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एक कहावत है और डिफीट स्टैंड्स अलोन। और जब हार होती है तो नेतृत्व पर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि गांधी परिवार वो परिवार है जिसके नाम पर हम लोग एकजुट हो सकते हैं। हम लोग से मतलब पूरा भारत उनमें आस्था रखते हैं, अगाध आस्था। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर अब तक जो संघर्ष गांधी परिवार ने किया, जो शहादत दी, उसके प्रति भारत नतमस्तक है। और हम कांग्रेस जन उनके प्रति इसलिए श्रद्धा और उनके प्रति निष्ठा रखते हैं क्योंकि हम जानते हैं उनमें नेतृत्व शक्ति है, उनकी सर्वमान्यता है और उनकी लीडरशिप में हम लोग आगे बढ़े भी और बढ़ते रहेंगे। अब ये कोई हार जीत हो जाए उसके आधार पर नेतृत्व को चैलेंज करना, ये गलत है। यही डर है कांग्रेस को कि और कोई नेता आया तो पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, फैल जाएगी। और इसलिए गांधी नाम के जो एडेसिव है, जो क्विक फिक्स है, उसी के सहारे कांग्रेस के नेता चिपके हुए रहते हैं। देखिए, जो लीडरशिप लार्जर देन लाइफ हो जाती है, उस लीडरशिप के लिए स्वतंत्र चिंतक जो होते हैं या विश्लेषक होते हैं, आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, वो कह सकते हैं कि वो एक बाइंडिंग फोर्स है। निश्चित रूप से बाइंडिंग फोर्स है, देश के लिए भी बाइंडिंग फोर्स है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी बाइंडिंग फोर्स है। आज यदि हम गांधी परिवार की बात करते हो, देश की अस्मिता के साथ, उसके सम्मान के साथ गांधी नाम जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी की नीतियों का अनुगमन करने वाला, उनकी भावनाओं को आत्मसात करके देश की एकता खंडता को बनाए रखने वाला वो परिवार है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को नेतृत्व देने के लिए पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं? क्योंकि उनके सवाल मैच्योरिटी को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर में मैच्योरिटी का लेवल उनका बड़ा क्वेश्चनेबल रहता है हमेशा। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस की प्रतिनिधि हूँ। 2 साल हो गए, 2 साल में इतने संसद के सत्र हो गए, राहुल गांधी या कांग्रेस संसद में घेर नहीं पा रही, कभी भी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर पा रहे। और हमेशा ये सवाल उठते रहे, जब भी राहुल गांधी ने भाषण दिया, राहुल गांधी ने कुछ बोला तो उनके भाषण का मजाक ही उड़ा और उसको गंभीरता से देश की जनता ने नहीं लिया। क्या सवाल नहीं खड़े करता कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी तो है उनमें? देखिए, आपके प्रश्न पर एक प्रति प्रश्न मैं आपसे करती हूँ। राहुल गांधी अगर बहुत मजबूती के साथ अपनी बात नहीं रखते, उनका अभिमत मजबूत नहीं होता, तो क्या रोल बैक करती भारतीय जनता पार्टी लैंड एक्विजिशन बिल पर? क्या अन्य मुद्दों पर जो जनहित से जुड़े हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ता? ये बड़ा प्रश्न है। तो ये कहना कि उनका स्पीच बहुत ज़्यादा एडमिरेबल नहीं था वहाँ पर, ये गलत है। जो बात उन्होंने कही उस वो तार्किक बात थी, और तार्किक बात थी, इसे रोल बैक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कई मोर्चों पर उनको बैकफुट हुआ, चाहे पीएफ के मामले में देख लीजिए या लैंड एक्विजिशन बिल की बात देख लीजिए या अन्य कोई ऐसा मुद्दा जिसको कि लगता है कि वो किसी पूंजीपति के पक्ष में करना चाहते हो, कांग्रेस ने मुखरता के साथ उठाया, राहुल जी के नेतृत्व में उठा। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत के साथ दंभ की राजनीति करती है उसे पीछे हटना। यानी कि आपको लगता है कि राहुल गांधी अब पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं कि पार्टी को नेतृत्व करने के? बिल्कुल सक्षम है, पहले भी थे, आज भी सक्षम है। और आप देखिए कि राहुल गांधी ने कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हुई जहां जनता के बीच में पहुंचना जरूरी हो, पहुंचे हैं वो। कहीं ऐसा तो डर नहीं है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और भारत कांग्रेस से मुक्त हो जाए? देखिए, डरना, कयास लगाना, उनके बारे में किसी प्रकार का विश्लेषण करना, ये आपका और मैं कह सकती हूँ स्वतंत्र चिंतन करने वालों का मुद्दा हो सकता है। पार्टी जो अपने स्तर पर निर्णय लेती है, उसे किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से पार्टी के नए निर्णय लेने हैं, कैसे चेंजेस करने, वो एक विस्तृत चर्चा होती है और वरिष्ठ नेताओं के बीच विमर्श होने के बाद सही समय पर निर्णय लिया जाता है। और राहुल गांधी के बारे में तो विशेष बात है कि वो एक अचानक उगते हैं, किसी मुद्दे को उठाते हैं और हवा की तरह गायब हो जाते हैं। देखिए प्रताप जी, मैं समझती हूँ कि इसमें आपकी सोच में मेरी सोच में अंतर है। जी, हिट एंड रन का मामला नहीं है, ये चारित्रिक मजबूती का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर आप देखेंगे तो जितने मुद्दे आए उसमें प्रचंड बहुमत होने का तात्पर्य ये हुआ कि चोरी करिए तो भी नहीं स्वीकार करेंगे, भ्रष्टाचार करो तो संरक्षण देंगे। ये राजस्थान के परिदृश्य में देखें, ललित गेट कांड ऐसा मामला था जिसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता स्पष्ट रूप से पाई गई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी उनको ना तो प्रश्न किया ना उनको किसी कटघरे में खड़ा करने का काम किया। विदेश मंत्री पर प्रश्न उठा तो उनके लिए सफाई देने के लिए वो खुद आ गई और पार्टी की तरफ से किसी प्रकार, जबकि ये साबित हुआ कि उन्होंने फेवर लिया ललित मोदी से, किसी भी संदर्भ में लिया अपने रिश्तेदार के मामले। कांग्रेस क्यों पलट गई?
अर्चना जी, बड़ा सवाल ये आया कि कांग्रेस ने ये मुद्दा क्यों छोड़ दिया। देखिए, कांग्रेस ने मुद्दा नहीं छोड़ा, समस्या ये है कि एक मुद्दा जाता है, दूसरा उससे बड़ा मुद्दा सामने, हर मुद्दे को हर मोर्चे पर हम लड़ते हैं और हम उस चीज को लेकर मुखर भी होते हैं। माइनिंग गेट कांड में यहाँ तैयारी नहीं थी, यहाँ पीएमओ के डायरेक्शन पे छापा पड़ा, रेड हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कांग्रेस गई कैग के पास, राष्ट्रपति के पास, और आज भारतीय जनता पार्टी को जांच करवानी पड़ी। मुद्दा किसी, कोई मुद्दा नहीं छोड़ते हम लोग, मुद्दों के स्तर पर हम मजबूत हैं। लेकिन आपने ललित गेट का मामला उठाया, ललित गेट के मामले में जब कांग्रेस को लगा कि हम खुद ही फंस गए हैं तो पतली गली से बाहर। नहीं नहीं, देखिए ये मिथ्या आरोप है। समस्या ये है कि जो आज सत्ताधारी पार्टी है, उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि यदि कोई भ्रष्टाचार, कोई आरोप, कोई आक्षेप उसके नेताओं पर लगता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपने अगर कोई पार्टी नैतिकता नहीं मान रही है, जो सत्ता में वो नैतिकता नहीं मान रही है, तो क्या विपक्ष का ये काम नहीं है कि जिन्होंने मुद्दे उठाए हैं उनका ये काम नहीं है कि नैतिकता की सीख देना और उसके लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ना? क्या कांग्रेस में, क्या अचानक ये लगता नहीं है कि सत्ता में रहते रहते कांग्रेस लड़ाई लड़ना भूल गई है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, फॉलोअप की बात कर रहे हैं, फॉलोअप होता है, लेकिन समस्या ये कि बयानबाजी में, नहीं नहीं बयानबाजी की बात नहीं है, फॉलोअप करते हैं। जहाँ तक क्या संवैधानिक जो प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसा कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे सकते हैं, क्या के पास निवेदन कर सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के पास जा सकते हैं। अच्छा, ये यही बड़ा सवाल उठता है कि आपने इतने मुद्दे बता दिए लेकिन अभी तक कोई भी सरकार के चिपके नहीं हैं। मैं जो पहले भी कहा था वही सवाल है कि मुद्दे उठाना और गायब हो जाना, भाग जाना, ये कांग्रेस की आदत में हुई है और उसके कारण आज तक बीजेपी की सरकारों को वो नहीं घेर पाई, ना केंद्र में ना राज्य में, और बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पा रही है कांग्रेस। ये खुद लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी है, ऐसा नहीं लगता? देखिए, आरोप हम लगा नहीं रहे किसी पर, आरोप तो तथ्यों के आधार पर पुष्ट हो रहे हैं खुद, और आरोप चाहे मीडिया के माध्यम से आए हो, प्रकरण के खुलासे के बाद आए हो, लेकिन समस्या ये है कि हम नहीं भागते हैं, भारतीय जनता पार्टी इंतज़ार करती है कि खबर की स्वाभाविक मृत्यु हो जाए, प्रकरण की स्वाभाविक मृत्यु हो जाए, उसका इंतज़ार किया जाता है। अब मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको, जब ललित गेट संज्ञान में आपने देखा, मुख्यमंत्री अपराध बोध से इतनी ग्रसित थी कि वो कभी मीडिया के सामने नहीं आई। यदि उनके प्रति लगाए गए आरोप गलत होते तो उनको मुखरता के साथ सामने आना था, कहना था कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस मेरे ऊपर मिथ्या आरोप लगा रही है। लेकिन ढाई तीन महीने का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री का, वो इतना उहपोह का था कि मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कि नेपथ्य में जाकर छुप गई थी, और जिन लोगों को फोरफ्रंट पे लाई उनके चेहरे देखते उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और आज ही परिस्थिति देखिए कि जो पार्टी शासन में है उसके लिए लड़ाई लड़ने वाला, उसकी सच्चाई को साबित करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई ईमानदारियाँ है ही नहीं। पर अर्चना जी, अभी तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, जिस तरह से कांग्रेस को अगस्ता में घेर लिया है, अगस्ता हेलीकॉप्टर के घोटाले के मामले में, लगता है कि कांग्रेस अब ज़्यादा घिरी हुई है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक।